सर अभी अभी दीप्ति मैम ने जगदीश वर्धन जी अभी अभी जवाब दिया है। आप लोग थोड़ा सा सवालों को भी सुने क्योंकि आप लोग वही रिपीट सवाल कर रहे हैं। मैम ने आपको इजीली के लिए स्पेशली बोला, या कोई भी जहां गूगल लॉग इन करना है उन्होंने बताया कि आपको अगर ऐसा डाउट है कि सुरक्षा या किसी तरह का, तो आप एजुकेशन के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बना सकते हैं। एक जीमेल से एक अलग से ईमेल आईडी बनाइए जिनको इन सब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर पे यूज करें, और अपना जो पर्सनल ईमेल आईडी है आप उसे इस पे ना यूज करें। विजय जी आपका क्या इशू है वो प्लीज आप पूछ ले तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। कैन वी यूज एनी टाइप ऑफ पॉडकास्ट? कहाँ पे ममता मैम आप कहाँ पे यूज करना चाह रही हैं पॉडकास्ट? आई कैन एक्सप्लेन इजी वे इन हिंदी टाइपिंग, रवि शंकर तिवारी जी ने बोला है। कैन वी ड्रॉ, ये इजीली के लिए है आई थिंक। कैन वी ड्रॉ अ सर्कल विद द सेम नॉड टूल? नहीं, वीयूई मैम ये क्वेश्चन है। कैन वी ड्रॉ अ सर्कल विद द सेम नॉड टूल? हाँ जी कर सकते हैं सर। नेक्स्ट। एक और है मैम, वीयूई पर डिफरेंट टाइप के नोड कैसे ले सकते हैं? हाँ, नोड टूल का मैंने आपको बताया था। विंडोज में हमारा फॉर्मेटिंग पैलेट है, इसमें सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने नोड की शेप बदलना चाहते हैं, ओवल करना चाहते हैं या स्क्वायर करना चाहते हैं, या बहुत सारी शेप्स अवेलेबल है, तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। अब ट्राई करिएगा, अगर आप हैंड्स ऑन कर रहे हैं तो आप देखिए। विंडोज में, विंडोज पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग पैलेट का, या फिर इसको शॉर्टकट से आप ले सकते हैं Ctrl+1। ये एक क्वेश्चन है, ये इन्होंने अपना बस एक ऑब्जर्वेशन दिया है। देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफिक्स इन द फ्री वर्जन। लद्दाख से मोहम्मद ईसा सबरी जी, आई अग्री सर, उसमें कम है, पर आप अपने इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, प्लस जो उसके अंदर क्लिप आर्ट्स वगैरह हैं वो भी यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर ग्राफिक। दीप्ति मैम इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग हियर। ये जैसे कि मैम ने बताया, अगर आपके पास फ्री टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, आपके उसके अकॉर्डिंग आप एक आपने एक पेड वाला भी अगर एक इंटरफेस देख लिया, टेम्पलेट देख लिया, चलिए तो आप एक प्लेन ब्लैंक टेम्पलेट से शुरू करिए, और उसके अकॉर्डिंग जैसे मैम ने कहा आपने ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, एरोस, टेक्स्ट सब ऐड करके वैसा क्रिएट कर सकते हैं आप। तो वो पॉसिबल है, आप पॉसिबल है बिल्कुल। ब्लैंक वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, उसमें सबसे पहले बैकग्राउंड डालिए टेक्स्चर या प्लेन कलर, और उसके बाद उसमें इमेजेस ऐड करके उसी तरीके से आप एरोज करके टेक्स्ट बॉक्स डाल के पूरा इंफोग्राफिक खुद क्रिएट कर सकते हैं। ममता मैम आप पूछ रहे हैं कि पॉडकास्ट का, तो अगेन वही ऑप्शन है कि आप इंफोग्राफिक में जाकर आप उसमें यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। तो वो वेब किसी भी वेबसाइट, किसी भी लिंक का, किसी भी सोर्स का यूआरएल आप ऐड करिए तो उसमें ऐड होके फिर वो प्ले हो जाएगा। मैम एक सवाल और है कि इन्फोग्राफिक टूल को डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक है तो शेयर करें प्लीज। इन्फोग्राफिक टूल को हम लिंक टूल को डाउनलोड नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन टूल ही है। इन्फोग्राफिक जब पूरा क्रिएट हो जाता है फिर आप डाउनलोड में जाके, जो बताया आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड लो वर्जन वाला क्वालिटी वाला, वो डाउनलोड करेंगे तो वो जेपीईजी फॉर्मेट में, इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। कैन वी एडिट द नोट्स ऑल्सो? दिस इज आई थिंक फॉर गुलशन मैम। जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन में नोट्स कैन को बी, एडिट कर, हाँ कैन बी एडिट द नोट्स, विजय गुप्ता जी ने पूछा है। हाँ सर नोट्स को आप एडिट कर सकते हैं। नोट्स की आप शेप बदल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया, उसमें फॉन्ट स्टाइल आप बदल सकते हैं, या जितनी भी आप फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एडिट का मतलब तो यही हुआ, या और इलेबोरेट आप करें अपने क्वेश्चन को। ये इजीली के लिए है मैम, इजीली में बुक आइकन नॉट फाउंड, प्लीज हेल्प। अगेन फ्री अकाउंट में जितने भी आइकन्स हैं आप वही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना खुद इमेज को क्लिक करके, और मैं ये सजेस्ट करूंगी अपने जो इस सॉफ्टवेयर टूल के अंदर जो भी आइकन्स हैं उसके अलावा आप अपनी ही क्लिक्ड इमेजेस को डालेंगे तो वो एक कस्टमाइज होगा आपके
आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो बेटर रहेगा। तो टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं, आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, आप उसी की फोटोग्राफ को क्लिक करके डालिए। टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो तो उसका कवर पेज डालेंगे तो बच्चे उस आप आइडेंटिटी रिलेट भी कर पाएंगे आप ही के उस ऑब्जेक्ट को, तो वो बेटर ऑप्शन है। एक आई थिंक जनरल क्वेश्चन है, मैम असाइनमेंट को अन्य ईमेल आईडी से बना सकते हैं? सर आप किसी से कर सकते हैं असाइनमेंट को सबमिट, बस जब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है जो ईमेल आईडी वहां डाला है, अगर आपका सब कुछ ओके रहेगा तो आपको सर्टिफिकेट उस ईमेल आईडी पे मेल किया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है। अदरवाइज आप असाइनमेंट किसी भी ईमेल आईडी से सबमिट कर सकते हैं, अपना नाम और स्टेट का नाम प्रॉपरली डालिएगा बस। Could you please suggest any website to download graphics for free? Okay. इस question का एक तो Pixabay भी है एक, और जिसमें काफी Creative Commons license के अंदर मिलती है। एक I think Flickr करके भी है जिसमें आपको बहुत सारी images और वो copyright free मिलती हैं। Flickr and Pixabay, मैं दोनों का नाम लिख देती हूँ chat box में। गुलशन मैम आप भी कुछ कह रहे थे? जी एक सवाल आया ना इनका, how to edit arrows in views? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ हाँ अभी क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है, तो एरो को आप एडिट कर सकते हैं। फॉन्ट वाले मेन्यू में आप जाइएगा, फोर्थ मेन्यू जो है, फोर्थ में आप देखिए लिंक्स वाले पे क्लिक कीजिए। पहले आपको अपनी लिंक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप उनका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यानी एरोस को सिलेक्ट कीजिएगा तभी ये वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। फिर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट पे लिंक्स का ऑप्शन है और लिंक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये चार स्टाइल्स आपसे पूछेगा कि किस स्टाइल में आप अपने लिंक्स को चाहते हैं, स्ट्रेट चाहते हैं, कर्व चाहते हैं, एस कर्व चाहते हैं या एरो फॉर्म में चाहते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, वो आप सिलेक्ट करके अपने लिंक्स का शेप बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन है नीरू कटारिया जी का, वांट टू चेंज आइकन इन इजीली। आइकन्स को इजीली में चेंज करना चाहती हैं नीरू जी ने पूछा है कैसे करें उसको। जो ऑलरेडी टूल के अंदर आइकन्स है उसको चेंज तो नहीं कर सकते, या आप अपने खुद के आइकन्स ऐड कर सकते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स या चीजें जो भी आपके फोटोग्राफ्स या इमेजेस हैं, तो उसको जो ऑलरेडी सॉफ्ट टूल के अंदर है आइकन्स उसको चेंज किस फॉर्म में करना है, आप उसकी शेप कह रहे हैं, साइज कह रहे हैं, तो अगर साइज की चेंज करने की बात है तो उसको वो जो ब्लू कलर का बॉक्स आएगा उससे रिसाइज कर सकते हैं। और चेंज करने का मतलब ये, अगर आप दूसरी लाना चाहते हैं तो आप उसको पहले वाले को डिलीट करिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इन्फोग्राफिक में, और अपनी नई वाली अपलोड करिए। नीरू जी तो आप उसको बस आप डिलीट कर दीजिए और नई वाली इमेज को अपलोड कर लीजिए, और उसको क्लिक करेंगे तो वो आपके इन्फोग्राफिक में आ जाएंगी जो आपकी नई वाली होगी, अपलोड में जाके, ग्राफिक्स में जाके अपलोड में। ये शिव प्रकाश जी का एक क्वेश्चन है, मैम टेक्स्ट इज नॉट इंसर्टिंग इन अ इन व्हाइल फ्लिकिंग टेक्स्ट, कहां पे सर आप व्यूई की बात कर रहे हैं? आई थिंक इजीली के लिए होगा ये। आप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो आप जब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, आप पहले टेक्स्ट पे क्लिक करिए, उसमें पूछेगा आपसे टाइटल लगाना है आपको, हेडर है या बॉडी टेक्स्ट या बुलेट फॉर्म में। तो सपोज आपने बुलेट वाले को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक बुलेट का टेक्स्ट बॉक्स आपके इन्फोग्राफिक में आ जाता है, क्योंकि आप हो सकता है आपके इन्फोग्राफिक में उसको जगह बहुत सारा कई बार बहुत सारी चीजें होती है वो दिख नहीं रहा हो, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें आ जाता है और आप उसे देखिए और उसको डबल क्लिक करके फिर उसको एडिट करना शुरू कर लीजिए। एक और सवाल भी आया था, मैंने अभी मिस किया चैट बॉक्स में, मैं देखती हूँ। फॉन्ट का कलर चेंज कैसे करें इजीली में? जब आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं तो उसमें आप ऊपर जो सबसे ऊपर जहाँ पे डाउनलोड और सेव का ऑप्शन है उसके ऊपर एक टूल बार आ जाता है जिसमें आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर सब कर सकते हैं। तो आप उसको जस्ट डबल क्लिक करके सेलेक्ट करिए और ऊपर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला टूल बार नहीं, ऊपर वाला टूल बार, तो उसमें फॉन्ट कलर चेंज का ऑप्शन होता है, पूरी कलर पैलेट आ जाती है।
In VUE, how can I change my text size? View का क्वेश्चन है, एक इन्होंने फॉन्ट स्टाइल का पूछा है किसी ने। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। फॉन्ट स्टाइल का आई थिंक क्वेश्चन आया था। तो फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए सेम वही प्रोसेस है जो मैंने बताया। पहले आप सिलेक्ट करेंगे नोट को जिसमें भी वो फॉन्ट लिखा हुआ है, और फिर विंडोज में फॉर्मेटिंग पैलेट में सारे ऑप्शंस हैं, जो भी फॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाहें, उसे बोल्ड करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं फॉन्ट के साथ, वो फॉर्मेटिंग पैलेट में अवेलेबल है। तो एक बार इसको एक्सप्लोर कर लीजिए तो आप कर पाएंगे। एक VUE से रिलेटेड क्वेश्चन और था, वो है व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन VUE? हाँ, रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये ऑप्शन इनको मिला है। कौन से उसमें है, मेन्यू में मैं चेक करती हूँ जी। हाउ कैन प्लेस्ड अपलोडेड इमेजेस इन इजीली, हाउ कैन प्लेस्ड अपलोडेड इमेजेस इन इजीली? आई थिंक हाउ कैन वी प्लेस इमेजेस which are uploaded in easily? आपको उस इमेज को बस क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। उसके बाद उसको रिसाइज कर लीजिएगा और उसको ड्रैग करके जहां पे भी मूव करके प्लेस करना है वो आप कर सकते हैं। समीमुद्दीन जी, अभी हमने जो आंसर किया कि जो अपलोडेड इमेज है उन्हें कैसे सेटल करना है, तो इसका मतलब इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं इजीली में। यस, ठीक है। मैडम, डेस्कटॉप पे VUE कैसे डाउनलोड करें? डाउनलोडिंग का प्रोसेस मैंने बताया था, गूगल पे आप सिंपल टाइप करेंगे विजुअल या वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, उसमें जो पहला ऑप्शन आएगा VUE का उस पर क्लिक करेंगे, और मैंने जैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा डाउनलोड का ऑप्शन आया था उसमें, सिंपल उस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ये करके, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। एक सेकंड, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। मैम एक क्वेश्चन VUE का और है, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। कैन वी पेस्ट डिफरेंट नोट्स वेयर एवर वी वॉन्ट गिविंग डिफरेंट स्टाइल इन VUE? पेस्ट से क्या मतलब हुआ, हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं नोट्स व्यू में? नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं जितना भी आप चाहें, पेस्टिंग या तो सवाल क्लियर नहीं हो रहा मुझे। पेस्ट तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं इमेजेस, नोट्स, लिंक्स, कीवर्ड्स एटसेट्रा। नीरू जी का सवाल था, कैन बी यूज डाउनलोडेड इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट इन इजीली? यू कैन यूज एनी इमेज मैम, यू कैन यूज वट एवर इमेज, बट वट एवर द इन्फोग्राफिक इज, यू हैव टू फर्स्ट चेक वेदर द इमेज इज अंडर ओपन लाइसेंसिंग और नॉट। Please explain layers concept in VUE. Ma'am, we are not going to explain the concepts here. We are trying to show you a tool, how it works. Now, as a teacher, you can see how a concept can be made for this, how can a concept map can be made for layers. You start doing it. If you face any difficulty which is technical, we will help you. ये आप देख पा रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन किया था विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, आप लिखेंगे गूगल पे क्योंकि फ्री एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आया था वो हमने क्लिक करा। नॉर्मली हम लोग विंडोज, विंडो बेस्ड पीसी या विंडो बेस्ड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप डाउनलोड क्लिक कीजिए
और विंडोज वाला वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। इधर सबसे पहले ये दिखाया, यही मैंने आपको जब समझा रहे थे हम पीपीटी के द्वारा, तो ये स्क्रीन हमने दिखाया था विंडोज का। डाउनलोड वीयूई फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे नीचे जो है एक जिप फोल्डर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैम व्यूई में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, एक बार आप फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ मैं बता देती हूँ, जी जी मैं बता देती हूँ, एक सेकंड मैं बस ये डाउनलोडिंग पहले एक्सप्लेन कर दूँ। जी अभी कंप्लीट दिखा रहा है, जिप फोल्डर डाउनलोड हो गया है, इसे आप खोलिए ओपन करिए। मेरे सिस्टम में पहले से ही ये डाउनलोडेड है, तो ये आपसे पूछेगा जब आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा, ये सेटअप खुला है कि आप इसे रन करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप रन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। We can't see the dialogue box. Your only internet screen is visible. अच्छा ये डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा, फिर से कर देती हूँ मैं आपको। You have to share the complete screen, then you will be able to show. ठीक है एक बार फिर से करती हूँ। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस पूछ लीजिए, क्योंकि 12:45 पे इन दोनों टूल्स के क्विज भी करेंगे। अभी दिख रहा है मोनिका मैम? यस यस। हाँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, ये पूछेगा रन करना है आपको सेटअप को या कैंसिल करना है, तो रन पे क्लिक कर देंगे और जो एप्लीकेशन है व्यू की वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इस पे क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं कैंसिल कर देती हूँ, बट आप लोग को डाउनलोड करना है तो रन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन जो था वो था कि हम कैसे इमेज ऐड कर सकते हैं, जी तो वो भी मैं बता देती हूँ। नोड एक क्रिएट कर लेते हैं, सपोज एक कॉन्सेप्ट हमने लिया वाटर। धान सिंह जी कौन सी ऐप के लिए आप बोल रहे हैं? दिस ऐप कांट रन ऑन योर पीसी, व्यूई की बात कर रहे हैं आप? आपका कंप्यूटर कौन सा है सर, 32-bit है या 64-bit है? आप जरा कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में चेक कर लीजिए कि आपने सही इंस्टॉल किया है या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने बनाया है एक कॉन्सेप्ट वाटर का, तो हम क्या करेंगे वाटर से रिलेटेड जितनी इमेजेस हैं उनको हम सर्च करेंगे।
फिर से मैं करती हूँ शेयर। आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पिक्चर सूटेबल लगती है, लेकिन हमने ये भी बताया था एक सेशन में कि कोई भी पिक्चर जब हम उठाते हैं, कोई कंटेंट उठाते हैं नेट से, तो उसकी लाइसेंसिंग का हम ध्यान रखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो फ्रीली अवेलेबल हो, उसकी कॉपीराइट ऑप्शंस को पहले चेक कर लेना है। तो अब हम फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर अगर मैं लेना चाहती हूँ तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगी, कॉपी कर लूँगी और फिर इस इमेज को अपने नोड में हम ऐड कर सकते हैं। एक सेकंड मोनिका, मैं अनशेयर कर रही हूँ। मोहम्मद ईसा सबरी जी, आपने बोला है मैंने एक कॉपी की इमेज फ्रॉम क्रिएटिव कॉमन्स बट कुड नॉट पेस्ट इट। सर पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इमेज वहां से अपने कंप्यूटर में, फिर इजीली में अपलोड करनी पड़ेगी, फिर यूज कर पाएंगे। पेस्ट कॉपी से नहीं होगा। तो आप पहले उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसको अपलोड कीजिए इजिली में, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज इट। अंजुला मैम, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको व्यू ही डाउनलोड करने में? अच्छा धान सिंह जी, आपको थोड़ा सा सपोर्ट या तो चाहिए होगा। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एक बार धान सिंह जी, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर पाएंगे। सर कोई शीट आपको ग्रुप में सेंड करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से थे आप? गुरजंत सिंह जी, आप शीट मत भेजिए। जब मैं आपको गूगल फॉर्म भेजूंगी उसमें आप अपना जो भी रिसोर्स अच्छा बना है, कोई भी 3 रिसोर्स, वो आप अपलोड कर सकते हैं। धान सिंह जी, आप स्क्रीन अभी मैम के बाद आप एक बार शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बता देंगे, हम लोग हेल्प कर देंगे। यस मैम, ओवर टू यू। हाँ, मैंने एक वाटर की इमेज सेव करी है डेस्कटॉप पे, उसको हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले इमेजेस जो रिलेटेड इमेजेस हैं आपके कॉन्सेप्ट से, वो अपने पास रखनी है किसी भी लोकेशन पे, या तो उसका अलग से एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, या डॉक्यूमेंट्स में कहीं रख लीजिए। तो मैंने वाटर की इमेज एक सर्च कर ली, ऑब्वियसली उसका कॉपीराइट जो था उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर वो इमेज हमने इंसर्ट कर दी राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एड इमेज वाला ऑप्शन से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर कोई यूआरएल आपको ऐड करना है, यूआरएल हम तब ऐड करते हैं जब आपको बच्चों को एडिशनल नोट्स देने होते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो पूरी के पूरे जो नोट्स हैं वो आप यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट मैप में, क्योंकि वो सारे दिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस इंफॉर्मेशन का सिर्फ लिंक आप पेस्ट कर देंगे, तो यूआरएल हम ऐड कर सकते हैं और कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, एडिशनल नोट्स अगर आप ऐड करना चाहें तो ये सारी जो एडेड इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो सब ऑप्शंस दिखेंगे आपको। तो आई होप के ये क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। Thank you.
धान सिंह जी, अब आप अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए, हम देखते हैं कैसे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। धान सिंह जी, हाँ मैडम, मुझे मिल गया मैडम। एक्चुअली हाँ, मैं वैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको देखो थोड़ा सा इसको खोलो तो शायद वो हो गया मेरा। अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, उसपे डेस्कटॉप पे ही कर रहा था मैं, लैपटॉप की बजाय। अच्छा वो सॉरी, इसकी मोबाइल की बजाय, इसलिए अलग से डेस्कटॉप खोल रखा है मैंने। हाँ हाँ सर, मोबाइल के लिए नहीं, आप प्लीज डेस्कटॉप पे ही कीजिए, आप तो मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ सॉरी, कोई दिक्कत, इसको हटा दीजिए सर। बिल्कुल। दिव्या मैम ने पूछा है, कैन वी टेक मोर देन वन टेक्स्ट बॉक्स इन वन नोड? मैम व्हाई डू यू नीड मोर देन वन टेक्स्ट बॉक्स इन वन नोड? यू नीड टू क्रिएट मोर नोड्स आई थिंक। हाँ, जैसे कि हमने बताया कि कॉन्सेप्ट मैप यही होता है कि इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो जितना आप उसे डिटेल में बनाएंगे, जितना उसमें आप सब कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, जितना डिटेल्ड होगा उतना ही क्लियर होगा। तो एक नोड में दो नोड ऐड करने से वो थोड़ा, एक तो मुझे पता नहीं कि हो भी पाएगा, वो हो नहीं सकता, और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप उसको एक्सपैंड करें, अपने कॉन्सेप्ट मैप को एक्सपेंडेबल फॉर्म में बनाएं। इजीली के लिए क्वेश्चन है जयराम जी का, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप इन इजीली क्रिएट ग्रुप, ज्वाइन ग्रुप, इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम गूगल क्लासरूम? सो इफ समबडी कैन एक्सप्लेन दिस। सर आप कहां पर ग्रुप्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे बताएंगे? शेयर में जाके अगर आप शेयर टू अ ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। इजीली में मैंने स्टार्टिंग में ग्रुप लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग में कहां पर? प्राइजिंग, प्राइजिंग के बगल में है गेट स्टार्टिंग, उसके बगल में है ग्रुप। सर आपने इंफोग्राफिक ओपन करने की बात कर रहे हैं कि होम पेज पे ही आपका ऑप्शन? वैसे मिल गया मुझे इसका आंसर, मिल गया, सॉरी मैम मैं समझ गया। ओके, आप बता भी दीजिए बाकी सबको पता लग जाए फिर, अगर आप समझ गए तो। इसमें अगर इजीली में हम वर्क कर रहे हैं तो कुछ लोगों को साथ जोड़ सकते हैं वर्क करने के लिए, और उनको परमिशंस दे सकते हैं, और इम्पोर्ट क्लासरूम में अगर गूगल क्लासरूम हमने बना रखा है तो वो उसके बच्चे भी इसमें ऐड हो जाते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, जितने सवाल आ रहे हैं ये तो हमने हैंड्स ऑन सेशन इसलिए रखा है कि आप एक्सप्लोर करें कि क्या है प्रूविंग, क्या है, या और भी जितने भी ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सर हर चीज, मतलब वैसे तो हम बताएंगे आपको, पूछने से हर चीज का हल नहीं निकलता, कुछ चीजें करके भी हम लोग सीख जाते हैं। तो एक बार देखिए क्या है प्रूनिंग का, जो क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी पूछा है सर ने, विजय सर ने, कि व्यू और कॉन्सेप्ट मैप टूल में क्या डिफरेंस, सी मैप में क्या डिफरेंस है? तो सर सी मैप भी कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए यूज किया जाता है, व्यू भी कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि मोनिका मैम ने भी पहले बताया कि ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं व्यू में, और लिमिटेशंस उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आप व्यू का यूज कर सकते करते हैं तो ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट मैप को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी मैप किसी तरीके से इससे कम है, उसके अलग अलग फीचर्स हैं। तो जब आप देखेंगे सी मैप को, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो हम ये नहीं कह रहे कौन सा अच्छा है या कौन सा कम है, दोनों ही कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए यूज होते हैं और सबके अपनी अपनी खासियतें हैं।
हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? जी गुलशन मैम, मैं विजय बोल रहा हूँ यूपी से। जी सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने जो भी इंस्ट्रक्शन बताया VUE के लिए, जी मैंने उस तरीके से जाके इसको डाउनलोड कर लिया है और मेरे डाउनलोड में जाके इसका जीप फाइल बन गया है। अब जीप फाइल को मैंने मैम उसको क्रैक किया तो अब उसमें मैम रन वाला ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ से करें? हाँ मैंने लिखा था ना सर कि उस जीप फाइल को आप क्लिक कीजिए, वो खुलेगा। हाँ खुल गया मैम। हाँ तो सर जब वो ओपन होगा ना तो कुछ आपको इंस्टॉलिंग वाले आइकन दिखेंगे, इंस्टॉल होने के बाद फिर वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रन वाला। हाँ, अभी मैंने करके भी दिखाया था इसीलिए। जी हाँ, VUE installer .exe तो उस पे मैं डबल क्लिक exe फाइल को डबल क्लिक करिए। ठीक दिव्या मैम, अब आप पूछिए क्या कह रहे थे। दिव्या जी यूपी से। हाँ मैम, ये मैं कह रहा था कि I was trying to make a mind map on the VUE app. इसमें मैम एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं जैसे मैथ्स का हूँ मैम टीचर, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह, तो इसमें मैम जब हम टाइप करते हैं, मान लीजिए एक वर्ड हमने टाइप कर दिया या एक एक लाइन टाइप कर दी छोटी सी दो वर्ड की, जब दोबारा मैम कभी उस पर जाके रीक्लिक कर रहे हैं तो वो पुराना वाला गायब हो जाता है और वो बहुत स्मॉल हो जाता है, उसको मतलब ब्रॉड करने में भी प्रॉपरली दिखता नहीं है। यही तो चैट बॉक्स में लिख रहा था आपको। जी जी मैं बताती हूँ, एक मुझे लगता है कि थोड़ी समस्या हो सकता है प्रैक्टिस में आ जाए, बट अभी थोड़ी मैम दिक्कत आ रही है इस चीज में। सर जब आप उसे जब आप क्लिक करेंगे जो भी आपने पहले टाइप किया है तो क्लिक करते ही वो सिलेक्ट होगा। ओके है ना, यानी वो ब्लू कलर में हो जाएगा, तो उसके ऊपर जब आप टाइप करेंगे ना तो पहले वाला गायब हो जाएगा। तो आपको करना ये है जब वो सिलेक्ट हो जाए तो आपके जो कीबोर्ड पे ये चार एरोज है ना, एक अप डाउन वाले लेफ्ट राइट वाले, हाँ तो अगर आपको राइट पे टाइप करना है तो राइट वाले एरो को क्लिक कर दीजिए तो राइट हैंड साइड पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट में करना है तो यानी वो सिलेक्शन को हटाना है, सिलेक्शन हटा के फिर आप एरो क्लिक कीजिए तो टाइप हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो कट हो जा रहा होगा। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। आशु, आशु एक सेकंड मैम, अभी मैं आपको ले रही हूँ। आशु जी आप पहले कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। मैम ये मैंने ना दीप्ति मैम से ये मैं पूछना चाहूंगी, जो मैंने एजली जो ऑनलाइन टूल खोला हुआ है ना मैम, हाँ जी, इसमें जो टेम्पलेट खोला है उसमें मैंने सेलेक्ट किया है और उसके बाद उसमें टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, जो पहला रिटन टेक्स्ट था उसको डिलीट किया है और नया टेक्स्ट लिखने के लिए पहले मैंने उसको सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं टेक्स्ट पे गई हूँ और उसमें मैंने एड अ बॉडी टेक्स्ट को क्लिक किया, लेकिन उसके बाद भी उस पे लिखा क्यों नहीं जा रहा मैम? आप उसे डबल क्लिक करेंगे तब लिखा जाएगा, आपने बॉडी टेक्स्ट को एंटर किया एक बॉक्स आ गया होगा आपका। हाँ जी मैम, एड अ बॉडी टेक्स्ट है ना, उसको मैंने उसको क्लिक किया। हाँ तो आपके इन्फोग्राफिक के अंदर एक बॉक्स आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। उसमें डबल क्लिक करके पहले तो जो ड्राफ्ट सा दिया हुआ है डिफॉल्ट वाला वो डिलीट कर दीजिए। वो डिलीट कर दिया मैंने मैम। उसके बाद टाइप नहीं हो रहा? टाइप नहीं हो रहा मैम। डबल क्लिक करके टाइप करूँ? हाँ डबल क्लिक करके टाइप होता है। ओके मैम। शीलम मैम अब आप पूछिए। नहीं मैम। ठीक है भाई, एक सेकंड रुकिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मोनिका मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, पूछिए। मैम ये जो VUE और जो इजली जो है ऐप, ये मेरे तो डाउनलोड नहीं हो रहा है इस पे। इजिली मैम डाउनलोड नहीं होगा, जैसे हम लोग जीमेल गूगल पे खोलते हैं ना वैसे ही आप गूगल पे जाके इसको डालिए easel.ly, आप वहीं पे ऑनलाइन काम करेंगे और VUE जो है उसको डाउनलोड करना है। पहले वो डाउनलोड होगा फिर उसके अंदर एक exe फाइल आएगी, उसको आपको रन करना है तब आपका स्टार्ट होगा। मैम वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है VUE। ठीक है मैम, मैं अभी दो मिनट में आपकी स्क्रीन शेयर करवा के करवा देती हूँ, दो मिनट वेट कीजिए मैम। ओके मैम, थैंक यू। दीप्ति मैम आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो हम लोग टेक्स्ट में गए हैं, उसके बाद आपने सपोज बॉडी टेक्स्ट किया है तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे आप डिलीट करिए। डिलीट हो रहा है डबल क्लिक करने से, और कुछ नया टाइप करना है तो नया टाइप भी हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कोई इसमें इशू हो रहा है। आप करके देखिए एक बारी मैम। शीनम मैम अब आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए। जस्ट अ मिनट मैम। हाँ जी
जब तक आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, निखिल सर आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैंने एक्चुअली ये इजली में एक प्रोग्राम यहाँ पे फाइल बनाया है, तो उसमें एक मैंने इमेजेस भी डाउनलोड किया है नेट से, उसको वहाँ मैम आई थिंक दीप्ति मैम ये अपलोडिंग का क्वेश्चन है, एक बार चैट में भी आया कि अपलोड कैसे करना है, एक बार आप फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग आल्सो। हेलो मैम, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आई होप विजिबल हो। आप ग्राफिक्स में जाएंगे, आप अपलोड में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज कंप्यूटर करेंगे, तो सपोज मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है जेपीईजी फॉर्म में, तो मैं इसको क्लिक करूंगी, ठीक है, और ओपन करूंगी। अपलोड का ऑप्शन कहाँ पे है मैम, वो नजर नहीं। अच्छा ऊपर है ग्राफिक्स के अंदर अपलोड का, तो देखिए इमेज यहाँ पे आ गई है, तो आप इसको ग्राफिक्स में जाना है, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा। जिनका और भी ये क्वेश्चन था ध्यान से देख लें कि पहले ग्राफिक्स में जाना है, वहां से आपको अपलोड में अपलोड की ऑप्शन पे जाना है, फिर ब्राउज कंप्यूटर करना है। थैंक यू मैम। पहले भी किसी का क्वेश्चन था, अब ये दोबारा ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सप्लेन नहीं होगा, बहुत ब्रीफली बता दिया गया आपको अच्छे से। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, वीयूई का डाउनलोडिंग आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैम अभी करवा रही हूँ मैं, अभी शीनम मैम का हम लोग स्क्रीन शेयर में देखेंगे, तो आप लोग भी साथ साथ देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। शीनम मैम आपने स्क्रीन नहीं शेयर की अभी तक, शेयर कीजिए प्लीज। जी मैम, ओके मैम, एक मिनट, एक क्यों नहीं हो रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, इंटरनेट नेटवर्क स्पीड स्लो है, तो ये हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। शीनम मैम अगर आपका नहीं हो रहा है तो हम लोग, जी मैम ये स्क्रीन शेयर, मैम एक्चुअली इंटरनेट स्पीड डाउन है जेके में, जेके में। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं गुलशन मैम को ही बोलती हूँ, वो एक बार फिर से डाउनलोडिंग का प्रोसेस पूरा बता देंगी, आप लोग ध्यान से देख लीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। गुलशन मैम प्लीज आप एक बार डाउनलोडिंग फिर से बता दीजिए। अंजुला मैम अब आप भी ध्यान से देख लीजिएगा। ओके मैम। हाँ जी गुलशन मैम, ओके नो प्रॉब्लम, मैं ही ये स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोडेड भी नहीं है तो आपको और कन्वीनियंट। मैं बताती हूँ, मेरे पे एक्चुअली डाउनलोडेड नहीं है तो और भी शायद बेटर होगा, रन करके दिखा देते हैं। VUE मैंने सिंपली गूगल पे VUE डाला, ये पहली ऑप्शन जो आई है इस पे मैं गई, यही है ना गुलशन मैम? नहीं, बैक करिए एक सेकंड मैम, पूरा विजुअल लिखना पड़ेगा। हाँ मैम, हमको पहली बार आ रहा था इसलिए हमको पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ा। कंप्लीट पूरा विजुअल जब लिखेंगे तब हमारे पास आएगा। अरे आपको तो पता है फिर। एक्चुअली मैम मुझे भी यही मिल रहा था, इसी वजह से मैं इसे डाउनलोड नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ आज आपके साथ सीखती हूँ। मेरे अपने कंप्यूटर में है, यहाँ नहीं मैंने डाउनलोड किया है। वर्चुअल विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, विजुअल, हाँ वर्चुअल भी कहते हैं इसे हम, बट आप सर्च करें तो विजुअल के नाम से करें। अंडरस्टैंड मैम, ये अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट आ गया लिखा हुआ, ये आ गया है vue.tufts.eue, ये करेक्ट है, यस Tufts यूनिवर्सिटी वाला, यस मैंने इसको सिंपली क्लिक किया। अब आप लोग जिसने डाउनलोड नहीं किया है प्लीज देख लें ध्यान से, यहाँ पे डाउनलोड बटन है, ये मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको क्लिक किया, तो इट इज आस्किंग मी कि कौन से कंप्यूटर के लिए आप करना चाहते हो, विंडोज मैक या फिर लिनक्स, लिनक्स मतलब जो ओपन सोर्स वाले होते हैं उनके लिए, तो मैं विंडोज क्योंकि मेरे कंप्यूटर में है इस वक्त चल रहा, उसको मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, जिप फाइल है, जिप फाइल मतलब इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल है और उसको छोटा करने के लिए जिप किया गया है। जैसे ये डाउनलोड होगा मैं इस फोल्डर को अनजिप करूंगी, उसके बाद ही डाउनलोड होगा शायद मेरे कंप्यूटर में, आई डोंट नो वेदर अनजिप हो जाएगा ये, अभी इसको पूरा डाउनलोड होने दीजिए। नहीं नहीं मेरे कंप्यूटर में शायद वो है नहीं। अच्छा जिप करने वाला क्या Adobe? हाँ तो आप बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो में प्रॉब्लम हो रही है, ये आपके विंडो 10 है तो जरूरत नहीं है मैम, अपने आप हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कर लेते हो जाता है मैम। चलिए एक बार ये डाउनलोड हो जाए पहले, फिर हम लोग देखते हैं।
तो अभी मैं इसलिए आपको इस सिस्टम पे बता रही हूँ, सो दैट क्योंकि यहाँ भी नहीं है, मैं प्रॉपरली रन भी करके दिखा दूंगी जो एक स्टेप वहां मिस हुआ अगर आपका देखने में, तो यहाँ हम लोग सारा चेक कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के बाद, ये अनजिप करने के बाद, हम यूज करने के बाद आपको एक क्विज का लिंक भेजा जाएगा चैट में, तो सब लोग एकदम एक्टिव हो जाइए उसके लिए, ताकि उसी वक्त आप उस क्विज से जुड़ पाए, क्योंकि वो लाइव क्विज होगा, बाद में नहीं आप लोग कर पाएंगे उसको। मैम एक वेरी क्वेरी है, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ, क्विज के दौरान ही ले लेंगे सर, वो कोई बात नहीं है। अब ये आपने देखा ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसको सिंपली कह रही हूँ फोल्डर जहाँ पे डाउनलोडेड है वहां दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसको मैं कह रही हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल, इफ इट एक्सट्रैक्ट, वेरी गुड। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो फाइल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसमें से, ये जो वीयूई इंस्टॉलर है इसके आगे आपने देखा ये कंप्यूटर जैसा कुछ बना है, सीडी जैसा, ये होती है ईएक्सई फाइल, तो आपको इसको रन करना है। मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ और ये मुझे ये वाली ऑप्शन देता है, ये विंडो जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। अब मैंने इसको बोला रन, तो वंस आई सेड रन, तो ये मुझे ये सब चीजें पूछ रहा है। मैम पहले एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करके फिर इंस्टॉलर फाइल को डबल क्लिक करना है, फिर आपके पास एक विंडो खुलेगी रन, उसके बाद जब आप रन करेंगे तो ये एक और परमिशन मांगेगा कि क्या डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फॉर एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो हमें यस करना है। वंस आई से यस देन इट विल स्टार्ट, ये मुझे फिर लोकेशन पूछेगा कि ये फाइल रखनी कहाँ पे है, तो ये प्रोग्राम फाइल्स में ही जाती है, नॉर्मली वही लोकेशन लेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए, आपको डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट चाहिए तो आप इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए, देन अगेन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। अब आप देखिए इंस्टॉल हो रहा है, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, नाउ आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, आई डोंट थिंक नाउ वी विल हैव एनी क्वेरी, नाउ आई एम सेइंग विल फिनिश and now you will be able to see how it is appearing on my computer. You can see it has already opened here. Now I can start working. I hope ab downloading se related aapka koi issue nahi raha hoga. Monica ma'am. Haan ji. Ma'am mere mein download ho gaya jaise aapne bataya, same process se maine kiya, sab kuch ho gaya, but jaise hi jo hai wo installation finish karne ke baad complete hua, uska jo visible hai hamare screen pe वो आपकी तरह एम्प्टी पेज वाला करके नहीं दिखा रहा, एकदम वो व्हाइट हो जा रहा है और ऊपर केवल वीयूई दिख रहा है और बाकी साइड में कुछ पार्ट ब्लैंक हो जा रहा है। सर एक बार आप ना रीस्टार्ट कर लीजिएगा अपनी मशीन लंच ब्रेक में, फिर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार जो हमारे थोड़े पुराने कंप्यूटर्स है उनमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट करने से बेटर बिहेव करते हैं। ओके मैम, हो सकता है उसका मेन्यू बटन जो है वो हाइड हो रहा है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी आप बता दीजिए मैम। मैम मोनिका मैम। हाँ जी मैम। मैम मेरा हो गया है यूपीई, लेकिन ये जो इजली का है उसके बारे में फिर से एक बार करवा दीजिए। इजीली डाउनलोड नहीं करना है आपको, लिंक पे जाना है, गूगल पे जाना है और यूज करना है बस डायरेक्ट। ठीक है मैम। ओके ओके ठीक है मैम। हम अब मैं दीप्ति मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्विज का लिंक चैट बॉक्स में डाल दें, तो मैम इसका भी जवाब आप दे दीजिए मोनिका मैम, हाउ टू वर्क ऑन व्यू। How to work on view? ये कैसा सवाल है, इतनी देर से हम क्या बता रहे थे कुलशन मैम? स्पेसिफिक मैम, सुमन मैम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। हम मैम आप एक बार डाउनलोड करिए, उसके बाद उसमें नोड्स ऐड करिए, एरोज ऐड करिए, दो कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करिए जो उनका रिलेशन है। एक्सक्यूज मी मोनिका मैम, मेरा डाउनलोड नहीं हुआ था, अब आपने बताया तो मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन डाउनलोड पहले हुआ नहीं था इसलिए मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं मैम, आपने सुना है, आपने प्रोसेस सुना है, एक बार उसमें जाकर के आप शुरू कीजिए काम,
फिर भी कोई दिक्कत आती है, ये वीडियो जो है सेशन की, ये भी हम आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर किया है उसी में डाल देंगे, तो आप वहां से भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट मैम? एक्सक्यूज मी मैम, आपको अगर थोड़ा सा हेल्प चाहिए तो मैं अभी आई डोंट नो कैसे कराऊं। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर सादिक जी। मैम एक्चुअली मेरा डाटा खत्म होने वाला है, एक सवाल मेरा बहुत जरूरी है जिसको क्लियर करना है। बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलेंगे। जो असाइनमेंट जो हमें सबमिट करना है उसके रिगार्डिंग कुछ बोलेंगे मैम की? नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज असाइनमेंट मैं अभी नहीं दे रही हूँ, जब दूंगी तो आपको जरूर सब कुछ बताऊंगी सर, ठीक है? डोंट वरी। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक क्विज है, आप लोग गूगल पे जाके joinmyquiz.com पे क्लिक करिए और उसमें ये ज्वाइन कोड डालिए 145389। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है ये वाला एप्लीकेशन आप लोग अपने क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास बच्चों के पास इस तरह का कोई मोबाइल भी है तो वो फिर क्विज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सी कि उनको कितना समझ में आया है। अभी केवल विमल आनंद जी से जी ने ज्वाइन किया है यूपी से, बाकी सब लोग भी इस क्विज को ज्वाइन करें। मैम दोबारा बताएंगे प्लीज कैसे ज्वाइन करना है? सर सामने लिखा हुआ है, प्लीज गूगल पे जाइए, joinmyquiz.com लिखिए उसके ऊपर। अच्छा, पेज खुलेगा, उसके अंदर ये कोड डालिए 145389। ओके ओके, अभी केवल 7-8 लोगों ने ज्वाइन किया है, प्लीज ज्वाइन फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्विज। मैम लिंक कहाँ पर आया है? मैम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है। लोगों ने ज्वाइन किया है, फटाफट ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे 200 लोग हैं अभी ग्रुप पे, 100 तो हो जाए तब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्विज। और जो सवाल आपके क्विज असाइनमेंट से रिलेटेड है प्लीज आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी, तो आप परेशान मत होइए उसके लिए। मैम लिंक एक बार पुनः डाल दीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा चैट बॉक्स में। सर सामने आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या ज्वाइन माई क्विज? स्क्रीन में आपके एकदम सामने है joinmyquiz.com। क्या बकवास है, गूगल पे टाइप करिए सर, गूगल पे जी पहला लिंक आएगा क्विजेस का। मैं फिर आऊंगी। मैम इसमें थीम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है और आगे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, बट क्विज क्वेश्चन 84 तक ज्वाइन हो गए मैम, 87 88 पहुंच गए। यू हैव टू डायल दिस नंबर, ज्वाइन कोड नंबर डायल करेंगे देन यू कैन स्टार्ट इट। joinmyquiz.com गूगल पे जाके लिखिए, उसके बाद एक पेज खुलेगा उसमें 145389। 100 तक हो गया मैम, स्टार्ट करें मैम। हाँ कर रहे सर, सभी लोग जुड़ रहे, कोई बात नहीं, हम लोग सब के साथ चाहते हैं सब जुड़े, थोड़ा डांटना पड़ता है उसके लिए पर। हाँ सर कुछ कह रहे थे आप? मैम जब ज्वाइन माय क्विज, ये हमें कोड कहाँ डालना है? ये joinmyquiz.com तो लिखा हमने, उसके बाद एक पेज खुला। हाँ उसमें कोड डालने की जगह है मैम, सामने ही है, वहां डाल दीजिए। एंटर कोड करना है मैम, राइट हैंड साइड में अबव में आपको मिलेगा एंटर कोड, वहां डालिए। मोनिका मैम। हाँ जी सर। मैम ये quizy.com कुछ विजिबल हो रहा है डालने के बाद? हाँ सर आप ज्वाइन तो करिए, उसी में है ये ज्वाइन माय क्विज, ये quizzes.com का ही है, पर आपको जो पेज पे जाना है वो है joinmyquiz.com। गेम करके आ रहा है, उसमें जाइए आप, जाइए joinmyquiz.com बस।
हाँ तो मैम गेम करके आ रहा है, उसमें जाइए, उसमें कोड डालिए, आगे प्रोसेस आएगा, सब लोग वहां दिख जाएंगे आपको। मोनिका मैम क्या शुरू करें प्लीज? हाँ, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। 136 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन, रिमेनिंग विल जॉइन इन द इन बिटवीन। वी आर स्टार्टिंग द क्विज। आपके पास इस क्विज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन को 20 सेकंड्स दिए गए हैं टाइमर लगाकर उसका रिस्पांस करने के लिए, तो आप उसको प्ले करिए। आई एम स्टार्टिंग द क्विज। अब आप लोग साथ में अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, सभी का नाम नहीं दिख रहा है लेकिन वैसे आपको पता चल रहा होगा। एक क्वेश्चन आंसर किया तो ग्रीन था तो ग्रीन हो गया, अगर रॉन्ग था तो रेड हो गया आपका, और जिसके सबसे ज्यादा करेक्ट होंगे वो ऊपर आता जाएगा। रूही मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर आपका कनेक्शन लॉस्ट हुआ था तो प्लीज बताइए। Virtual understanding. आपकी दीप्ति मैम आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है, कह रही हूँ। हाँ, मोर देन 105 हैज कंप्लीटेड द क्विज, सो कैन वी एंड द क्विज? हेलो हेलो, अभी कुछ लोग शायद रह गए हैं ना जिन्होंने ज्वाइन किया, तो हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज।
जल्दी से कंप्लीट करिए सब लोग, सो देट हम इसका वो देख पाए, क्लोज कर पाए इसको। You can close Deepthi ma'am. Okay, okay. I'm ending the quiz. और quiz end करने के बाद हमें जो हमारे winners हैं वो मिलेंगे scoreboard के according. And the top three winners are the third number Radhika ma'am, second is Sandeep Kumar, and first one is Rupali ma'am. Congratulations, Rupali ma'am, Radhika ma'am, Sandeep sir. So many 100%. Wow. Oh. Congratulations to all. See how talented all the members are here. Yes. नो प्रॉब्लम सर मैम, जिनका एक क्वेश्चन गलत है कोई बात नहीं, ये हमारे लिए था, हमारा एक्सपीरियंस था एक नए एप्लीकेशन के साथ। यू कैन ऑल्सो क्रिएट क्विजेज ऑन दिस quizzes.com एंड यू कैन ऑल्सो डू इट विद योर स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज नॉट जस्ट अ क्विज टू नो योर अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो टू acquaint you with a new application without demonstrating it. Thank you Deepthi ma'am, thank you Gulshan ma'am for the wonderful session and answering so many questions which were raised by all the participants. We are really thank happy you so much to have this interaction with you. Yes, the participant became a little I think they took the advantage that they were not even trying and answering, only asking the questions. So I will request all of you to please go and try the softwares, try to do whatever you want to do, you will find the solution there only. And now we can break for lunch. We will start the session sharp at 2 because we are closing today on time. Please join back at 1:55 so that we can start the session on time. Thank you once again Gulshan ma'am, Deepthi ma'am. Thank you Monica ma'am and thanks Monica ma'am, 1:55 all the participants. Thank Haan you. हाँ जी कौन है? हाँ मैम विजय बोल रहे हैं। हाँ जी विजय जी। हाँ मैम 1:55 पे कि 1:50 पे? 1:55 पे आप join करिए, 2 o'clock sharp हम next session start कर देंगे। Okay ma'am, thank you. Right, thank you. Have your lunch and come back on time. Bye bye.